मीडिया का बहुत आपका बहुत आभारी हूँ। आप जहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको कवरेज किया। मैं एक तरफ तो भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट का जनाब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जे के जूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी जो 70 साल से सुम रोड की डिमांड थी पुलों की वो उन्होंने पूरी करी। हमारे जिस जिसने भी इसमें योगदान दिया एमपी साहब एमएलए साहब जो भी थे जिन्होंने इसके लिए पुरजोर अपनी कोशिश करी। लेकिन जब ये काम सेंक्शन हो गए टेंडर हो गए अभी आपके सामने ये पीछे पुल है ये जलापर नाले के खड्ड के पास हम खड़े हैं। ये सामने ऊपर आपको दिखाई दे रही बिजली की तार पिछले 6 महीने से इस पुल का काम बंद पड़ा है। सिर्फ ये जो मेन लाइन है ये चेंज करनी थी। आज मेरी एक्शन पीडब्ल्यूडी से बात हुई उन्होंने बताया कि हमने पैसा पीडीडी को सेंक्शन अपनी तरफ से कर दिया है लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मैं अपने डीसी सांबा से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि सुंब ब्लॉक और सुंब के एरिया के लोगों के बारे में आप सुने सोचें क्योंकि हमारा मेरे ख्याल में हमारा जो सांबा से गोरन तक का रास्ता है इससे बदतर हालत कहीं किसी रोड की नहीं है। और जहाँ बाबा शिवों के लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जितने भी आते हैं वो गाली देते ही जाते हैं गाड़ियां टूटती हैं रास्ते नाम की चीज़ नहीं है। हमारे बड़ी दुख की बड़ी शर्म की बात बोल रहे हैं। एक तरफ तो इतना डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आज पीडीडी डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये लाइन 1-2 दिन में चेंज होनी चाहिए। अगर वो नहीं चेंज करते तो हमारे को मजबूरन पूरे सुम बुला के यहाँ के हमारे सारे सरपंच साहब खड़े हैं पंच साहब खड़े हैं लोग मौजूद खड़े हैं हमारे को जाके नेशनल हाईवे बंद करना पड़ेगा क्योंकि सेम वैसे ही दलोट पुल का है वहाँ भी लाइन चेंज नहीं कर रहे। और ठेकेदार फंसा हुआ वो बोलता है कि लाइन चेंज करे तो मैं काम करूँ क्योंकि हमारे यहाँ बरसात के दिनों में जब भी आप देखते हो रास्ता बंद हो जाता है आने जाने की सुविधा कोई कनेक्टिविटी कट हो जाती है। मैं गवर्नमेंट से LG प्रशासन से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ LG साहब आप ही थोड़ा ध्यान दें इन डिपार्टमेंट को थोड़ा पूछें क्यों चेंज नहीं कर रहे। जब पैसा मिल गया अगर पैसा आ गया तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ये सारा चेंज होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को ये सुविधा मिल सके जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को देना चाह रही है। शुक्रिया। हमारे साथ सरपंच बलदेव सिंह है एक्स नायब सरपंच मेजर सिंह है नायब सरपंच कीर्तिलाल शर्मा बाकी सारे हैं इनसे भी आप पूछें हमारे लोग बहुत दुखी हैं और आज ये हमारे को मजबूरन 1 साल से हम देख रहे हैं इन पुलों का काम चला हुआ। इससे पहले के जैसे मैं सांबा के फ्लाईओवर की बात करूं तो 14 महीने में मेसर से लेके चिची माता तक का फ्लाईओवर तैयार हो गया। ऐसी कौन सी कारण है कि हमारे ये पुल 1.5 साल से 1 साल से आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है। सिर्फ काम की रुकावट क्या है ये बिजली की तारें ये लाइन चेंज करें ताकि जल्दी से जल्दी ये काम कम्प्लीट हो लोगों को रोड की सुविधा मिल सके। शुक्रिया। जय हिंद जय भारत जय जम्मू कश्मीर।